चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी सुरभि इतना अच्छा नृत्य करती थी, अब उसका एक पैर कट जाएगा तो उसका तो पूरा करियर खत्म। आगे से हर कदम पे हमें सुरभि के साथ खड़े रहना है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। हम एक काम करेंगे, उनके सामने ना कान पकड़ के माफी मांग लेंगे कि जिंदगी में कभी किसी का पीछा नहीं करेंगे सर, अपनी परछाई का भी नहीं। ऑपरेशन सक्सेस रहा, शाम तक आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। अब तुम लोग जा सकते हो, अब तुम लोग भी घर जाओ, सुरभि से तो शाम तक ही मिलने को मौका मिलेगा। ठीक है अंकल, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अंकल मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी घर चले जाइए, फ्रेश होकर आइए। नहीं बेटा, हम नहीं, तुम चले जाओ। अंकल प्लीज, बात तो मानिए, 3 दिन से आप लोग यहीं बैठे हुए हैं और आंटी को देखिए कितनी थकी हुई है। नहीं बेटा, बात मानिए अंकल, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, अच्छा लगेगा। रणदीप ठीक कह रहा है विंदो, आप लोग भी जाओ, शाम तक आ जाना, मैं भी शाम तक थोड़ा काम निपटा के आ जाती हूँ। चलो। अच्छा चलिए चलिए। हम आते हैं बेटा, ध्यान रखना। हाँ हेलो जी, इंस्पेक्टर साहब जी, मैं रणदीप, सरकारी अस्पताल से जी। कुछ पता चला आपको? अच्छा आप यहीं आ रहे हैं, ओके ओके। रौनक बोल। प्रिया तुम कंपटीशन में नहीं आई? जब शो में हिस्सा ही नहीं ले पाई तो क्या करूंगी आकर? यार कम से कम देखने तो आ जाती। मुझे नहीं देखना, कोई काम है तो बोल। अच्छा सुनो, आज मैं और गोपाल सरकारी अस्पताल गए थे रणदीप के बुलाने पर। क्यों? वो कथकली का ऑपरेशन था, उसे खून की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए हमें बुलाया था रणदीप ने। ऑपरेशन किस चीज का? तुम्हें नहीं मालूम उसका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ पर ऑपरेशन किस चीज का है? उसका एक पैर काटना पड़ गया है। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। वेरी सैड। ठीक है वो हमारी कॉम्पिटिटर जरूर थी, पर पैर काटना पड़ा वो
वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। हाँ यार, लेकिन एक बात और है जिसको लेके हम काफी परेशान हैं। क्या? पुलिस जोरों से छानबीन कर रही है प्रिया। सबसे पूछताछ हुई है, रणदीप से भी हुई है। तो करने दो ना पूछताछ। तुम्हें क्या है? हाँ, हमने तुम्हारे कहने पे सुरभि का पीछा किया था। उस बात को लेकर वो हम पर भी शक कर सकते हैं यार। क्यों? तुमने तो पीछा सिर्फ इसलिए किया था ना कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, एक्सीडेंट करवाने के लिए तो नहीं किया था ना? लेकिन पुलिस हमारी बात मानेगी तब ना। अगर उन्होंने हमें मारा पीटा ना, तो हम तो बता देंगे कि तुमने हमसे पीछा करवाया था। हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अगर कुछ ना हो तो अच्छा है। पता नहीं कहाँ फंस गया। बाय। पुलिस जोरों से छानबीन कर रही है प्रिया। सबसे पूछताछ हुई है, रणदीप से भी हुई है। हमने तुम्हारे कहने पे सुरभि का पीछा किया था। अगर उन्होंने हमें मारा पीटा ना, तो हम तो बता देंगे कि तुमने हमसे पीछा करवाया था। बहुत बुरा हुआ आपके दोस्त के साथ। बेचारी का पैर काटना पड़ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, जब एक्सीडेंट ही पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए तो क्या कह सकते हैं। बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए जिसने ये काम किया है, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मिस्टर रणदीप, पुलिस वाले हम हैं, आप नहीं। गुनहगार को सजा दिलवाना हमारा काम है, आपका नहीं। देखेंगे, फिलहाल उसका पता तो चले जिसने ये घिनौना काम किया है। हमने बाइकर की शिनाख्त पर उस अपराधी को पकड़ लिया है जिसने ड्राइवर को पैसा दिया था। कौन और उसकी सुरभि से क्या दुश्मनी? वो तो सुरभि को जानता तक नहीं है, वो तो बस सुपारी लेता है। मतलब उसको भी किसी और ने पैसा दिया था ये एक्सीडेंट कराने के लिए। लेकिन किसने? कोई एक लड़की थी, यंग। बड़ा तगड़ा मुकाबला हो गया। कोई मुकाबला नहीं है, और शो तो हम ही जीतेंगे। और वो जीतेगी तो तब ना जब वो फाइनल तक पहुंचेगी। यंग लड़की? हाँ, उसी ने पैसा देकर ये काम करवाया है। उसने अपनी पहचान छिपा ली थी, उसने अपना चेहरा भी छिपा लिया था। तो आपको उस लड़के का भी पता नहीं चला? पता नहीं चला है तो चल जाएगा। पुलिस वालों से बचना इतना आसान नहीं है। ओके मिस्टर रणदीप, अब मैं चलता हूँ। लड़की के बारे में पता चलता ही खबर करता हूँ। ओके। यार तू फिर शुरू हो गया ना। हमने सुरभि का सिर्फ पीछा किया था और कुछ नहीं। और ये बात अगर पुलिस वालों ने नहीं सुनी तब? यार देख, तू डरा मत। हम एक काम करेंगे, उनके सामने ना कान पकड़ के माफी मांग लेंगे कि जिंदगी में कभी किसी का पीछा नहीं करेंगे सर, अपनी परछाई का भी नहीं। Thank you.
क्या बात है सुरभि? अरे देवता, अब बस 2 दिन बचे कंपटीशन में। अगर मैं जीत गई तो फिर सोचो पूरे आसाम में मेरा नाम होगा। बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सिर्फ आसाम में नहीं पूरे देश में पॉपुलर हो। अरे बेटा, तुम इस तरह डांस करने को उतावली हो रही हो कि जैसे तुम्हें फिर मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ देवता, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और सुबह से मेरे पैर ऐसे थिरक रहे कि पता नहीं इसे फिर थिरकने का मौका मिले या ना मिले। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जैसा हम बोलते हैं कभी कभी ठीक वैसा ही हो जाता है। लेकिन मैं आपको किस अंदाज में कहूं कि मेरे पैर में आज अजीब सी थिरकन हो रही है? वो ऐसे, देवता मेरे पाँव में आज ऐसे थिरकन हो रही है जैसे कभी रुकेंगे ही नहीं। मैं सिर्फ नित्य 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 करूंगी। माजोनी, ए माजोनी। देवता, मुझसे मेरी हालत देखी नहीं जा रही है। जब भी पाँव देखती हूँ तो सोचती हूँ मर जाऊं। देवता, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना देवता। माजोनी, तुमने बोला था ना कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। हिम्मत रख बेटा, तुम्हारे पीछे मैं हूं, तुम्हारी मां है और जेठाई। फिर तू ऐसा क्यों सोचती है बेटा? माजुनी, तू दिल छोटा मत कर। मेरे बच्चे खाना सब ठीक कर देंगे। जब एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा खुल जाता है। तू देख लेना बेटा, तेरे साथ सब अच्छा ही होगा। अरे अब ये सब बातें ही करते रहोगे या फिर अपनी माजोली को कुछ खिलाओगे भी? हॉस्पिटल का खा खा के पक गई होगी बेचारी। हाँ, ये ठीक रहेगा बेटा, तेरा जो भी मन करे तू खा। बोल, क्या खाएगी? मुझे कुछ नहीं खाना देवता। ठीक, सुरभि की माँ आज मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। और मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। जब हमारी माजो ने कुछ नहीं खाएगी तो हम सब कैसे खाएंगे? एक काम करते हैं, आज हम सब व्रत रख लेते हैं। ये तो आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तू कुछ भी समझ बेटा, अगर तू नहीं खाएगी ना तो हम में से कोई नहीं खाएगा। मान जा माजो ने, तेरे देवता और माँ ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि रंधी को ही बुला लेते, वो भी अपने दोस्त से मिल लेगा। पर वो तो चला गया। चला गया? हाँ, वो कह रहा था घर जाके फ्रेश हो जाएगा। अब 3 दिन से एक पैर पे बेचारा भाग रहा था तो मैंने भी उसे जाने दिया। देवता, ये रणदीप। माजोनी, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके साथ डांस सीखती हो ना? बेटा,
ऐसे दोस्त लाखों में एक मिलते हैं। वो भी यही था हॉस्पिटल में? हाँ बेटा, अगर वो नहीं होता तो हम अपने आप को संभाल ना पाते। डॉक्टर से मिलना, दवाइयों का बंदोबस्त, खून का बंदोबस्त करना, उसने बहुत कुछ किया बेटा। ऐसा लड़का मिलना मुश्किल। मेरा तो उस पर ढेरों आशीर्वाद है, बहुत ही नेक लड़का है। मिंदो, अब कुछ खाने को भी लाओगे कि नहीं? ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं कुछ लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। मेरी बात जोड़ी, तू तो बहुत हिम्मती लड़की है, मुझे दे दिए कृष्णा, सब अच्छा करेगा। संदीप, सुरभि कैसी है? हॉस्पिटल से छुट्टी है? नहीं, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहा है? सुरभि ठीक तो है ना? सुरभि का एक पांव काटना पड़ा है, ये तो पता है ना तुम लोगों को? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। क्या भाई, हमें क्यों खुशी होगी? बेचारी इतनी अच्छी डांसर थी, अब उसका एक पैर कट गया, तो इसमें हमें खुशी क्यों होगी? मामला पुलिस में है, ये तो पता ही होगा। इन सब के पीछे एक लड़की का हाथ है, और हो सकता है वो तुम लोगों की बॉस हो। बॉस? हमारी बॉस? क्या बक रहा है तू? हमारी बॉस कौन होगी? अरे वही जिसके इशारे पर तुम दोनों नाचते हो, लोगों का पीछा करके उसको रिपोर्ट करते हो। रणदीप तू क्या कह रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ कहना, बात क्या है, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रहा है? तो ठीक है, साफ साफ सुनो फिर। सुरभि के एक्सीडेंट के जिम्मेदार तुम दोनों, आज जो उसकी हालत है वो तुम लोगों की वजह से। ये सरासर झूठ है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? अपनी बॉस के लिए, जिसके कहने पर तुमने सुरभि का पीछा किया था। ऐसे चौंको मत, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम क्यों और किसके कहने पर ये सब करते हो। क्यों, प्रिया का नाम जुबान पर लेने पे कष्ट हो रहा है? जब पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी तब तो सच बोलोगे ना? देखो भाई, हम दोनों तो इनोसेंट हैं, हमें सिर्फ प्रिया ने तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था। भाई हमने तो उसे सिर्फ ये बताया था कि तुम आजकल क्लासिकल डांस भी सीखने लगे हो, हमने तुम्हें एक बार फॉलो किया था, तुम रिहर्सल्स पर नहीं आ रहे थे, तो हमने प्रिया की इतनी सी हेल्प की थी। प्रिया का गुस्सा तुम पर और सुरभि पर था, ये हम जानते थे, पर वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमारा यकीन कर यार, सुरभि के एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज हम पे शक मत कर, और ये पुलिस के चक्कर से भी हमें निकाल दे भाई। तू जैसा कहेगा ना, हम सब कुछ सच कहने के लिए तैयार हैं। हमें भी लगता है इन सब के पीछे उस प्रिया का ही हाथ है। हाँ,
क्योंकि प्रिया बार बार बोल रही थी कि वो सुरभि को नहीं छोड़ेगी। कहाँ है प्रिया? प्रिया मुझे पता है। डैड वो सब छोड़िए, रणदीप के घर का क्या हाल है? बेटा हाल तो ठीक ही होगा ना? अब तू आ गई है ना, तो हम आगे बात बनाएंगे। इतने दिनों में बातचीत नहीं हुई। मुझे तो लगा था कि इंडिया आते ही मेरी सगाई हो जाएगी रणदीप के साथ। बेटा अब जब सारी बातें हो चुकी हैं, तो सगाई भी हो जाएगी और फिर शादी भी। सुरभि